श्रमिकों के सर्वाधिक खातों वाली यूको बैंक इन दिनों कर्मचारियों की परेशानियों से जूझ रही है। कर्मचारियों की कमी के कारण यहां ग्राहकों के काम समय पर नहीं हो रहे हैं और मिनटों के काम के लिए उन्हें घंटों कतार में खड़े रहना पड़ रहा है। मामले को लेकर विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने बैंक पहुंचकर लोगों को हो रही परेशानियों के संदर्भ में बैंक प्रबंधन से बातचीत की। बीते कई महीनों से यूको बैंक की बिल्लाग्राम शाखा में कर्मचारियों की कमी है। यहाँ पर 8 लोगों का स्टाफ होना चाहिए, लेकिन मौके पर महज 4 लोगों का ही स्टाफ कार्यरत है। ऐसे में यहाँ पहुँचने वाले लोगों को परेशानियों से 2-4 होना पड़ता है। दरअसल बिल्लाग्राम क्षेत्र में एकमात्र बैंक होने के कारण शहर के सभी उद्योगों के अधिकांश श्रमिकों के बैंक खाते इसी बैंक में है। ऐसे में श्रमिकों के पास समय की कमी होती है और वे लंच टाइम में से कुछ टाइम निकालकर बैंक के काम निपटाते हैं। लेकिन 25,000 ग्राहकों की संख्या वाले इस बैंक में बीते कुछ माह से अव्यवस्था चरम पर है। हालांकि इसे लेकर यहां का प्रबंधन खुद परेशान है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद विधायक दिलीप सिंह शेखावत शाम को बैंक पहुंचे। उन्होंने प्रबंधन से परेशानी को लेकर चर्चा की और इसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों को बैंक से ही फोन कर इस तरह की परेशानियों को निपटाने की बात की। नागदा से विधायक जी बात करना चाह रहे हैं? दिलीप सिंह शेखावत जी, नागदा विधायक जी बात करिए। दिलीप शेखावत बोला था विधायक नागदा। यार एक ये था कि यूको बैंक में समथिंग लगभग 25,000 खाते हैं और जो मैक्सिमम खाते हैं वो हैं लेबर के, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंड जो भी वर्कर्स लेबर है एंड स्टाफ का, ग्रेसिंग केमिकल एंड सभी इंडस्ट्रियों का। अब उनका क्या रहता है कि पर्टिकुलर 7 तारीख या 8 तारीख को पेमेंट बनती है। अब ये स्थिति रहती है कि रोजाना हमको भी 5-25 लोग गाली बक के जाते हैं और आपके लोगों के साथ भी जो व्यवहार करते हैं वो काटते ही होंगे निश्चित रूप से, क्योंकि वो परेशान है। अब यहाँ 8 लोगों का, अच्छा आपके मैनेजर का ये कहना है कि सर इस ब्रांच को हम अगर हमको स्टाफ दे दो तो इसमें काफ़ी स्कोप है, तो अब इसी ब्रांच को भी अपन स्टाफ की दृष्टि से अवॉइड। नहीं पर 8 का स्टाफ है, 4 लोग हैं यहाँ पे और सबसे बड़ी बात है कि एक पर मेन चीज है ना, ऊपर थोड़ा सा कन्विंस ये करना पड़ेगा कि कुछ ब्रांच ऐसी है कि जो बिजनेस ही नहीं दे रही है, कुछ ब्रांच ऐसी है कि जो बिजनेस दे रही है अपनी, अपने लिए भी ठीक है ना, जो बिजनेस देगी और फाइनेंशियली दृष्टि से अगर हमको अच्छा। आप दूसरी क्या, आप कोई दूसरे टारगेट भी अचीव नहीं कर पाते ना, जैसे मान लो किसी को लोन देना है और कोई प्रपोजल्स है, वो तो ये तो केवल पैसा जमा और निकालने में इनकी पूर्ति नहीं हो रही, दूसरे काम कब करेंगे। अच्छा नहीं, या तो मुझे कोई ऐसे, तो मैं माननीय गहलोत जी को बोलूं फिर या माननीय सांसद जी को बोलूं कि वो बात करेंगे। पर क्या है ना, काफी पुराने, आप समझ लो कि लगभग 50 साल, हाँ 50 साल पुरानी ब्रांच है। अब 50 साल पुरानी ब्रांच, हाँ तो वही बोल रहा हूँ ना, और फिर अननेसेसरी हम जैसे लोगों को लोग अगर हमारे साथ बदतमीजी करें बिगर गलती के, पर अब चूंकि जनप्रतिनिधि तो सहन करनी पड़ती है, कुछ विकल्प नहीं है ना हम लोगों के पास में। मेरा ये था कि उसको कैसे भी एक आदमी तो आप जल्दी दे ही दें, बाकी भी या तो मुझ मैं ला हूं, हेलो मुझे नंबर दे दें तो मैं इसी नंबर पे जो अभी लैंडलाइन आपका ऑफिस का नंबर जी जी हाँ
हाँ कोई बात नहीं, मेरे को नंबर दे दो तो मैं कल उनसे बात कर लेता हूँ। जी हाँ, नंबर मुझे एक बार दे दें आप उनका, लैंडलाइन 2438। क्या नाम क्या है? ठीक ठीक ठीक, इसका साइन नहीं मिला। हाँ पर कल ये वो मैं भी मनीष जी से बात करूंगा, एक बार आप भी बात करके कल एक तो कराई तो आप।